स्मार्ट सिटी सभी देखना चाहते हैं, सभी बेहतर विकल्प की तलाश करना चाहते हैं, जनता खुश रहे इसी पर विश्वास लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो अमली जामा पहनाने का प्रयास करता है उसी को जनता भी पसंद करती है। उन्हीं में से एक है जगदीशपुर के नगर पंचायत के अध्यक्ष मुकेश कुमार, जिन्होंने अपने बल पर, जनता के सहयोग के बल पर नई इबारत लिखने का प्रयास किया और 80 योजनाओं का एक साथ डिजिटल के माध्यम से लोकार्पण कर दिया, जिसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। 1857 के वीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह, जिनके नाम से अंग्रेजी हुकूमत का 80 वर्ष की आयु में जो बाबू वीर कुंवर सिंह राजधानी जीतकर चले गए, वह किसी से जिंदगी बच जाए। शुरू से ही हमने कोरोना को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। घर घर हमने साबुन बंटवाया। हमारे नगर पंचायत के कर्मी ने जो उत्साह और जो कोरोना काल में अपना साहस दिखाया, उसको हम तो कभी नहीं भूल सकते हैं। घर घर अनाज पहुंचाना, घर घर सैनिटाइजर करना, मैं प्रत्येक लगभग हम लोग घर घर में करा रहे थे। इतना आप लोग अगल बगल भी पता लगा सकते, बहुत सारे नगर पंचायत है, 141 नगर पंचायत है, 141 नगर पंचायत में आप लोग पता लगा लीजिएगा कि कहीं भी ऐसा कार्यक्रम चलाकर कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम नहीं चलाया गया होगा। हम खुद दोनों टाइम जगदीशपुर में नगर पंचायत द्वारा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम किला परिसर के रामलीला मैदान में डिजिटल माध्यम से नगर पंचायत मुख्य पार्षद मुकेश कुमार गुड्डू ने 80 योजनाओं का कर किया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों का हुजूम जुटा रहा। मुख्य पार्षद ने कहा कि मेरा विकास ही पहली प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा नगर के विकास के अलावा कुछ नहीं सोचा। बिहार में जगदीशपुर नगर पंचायत टॉप 10 में शुमार है। उन्होंने बताया कि ऐसा ही जनता का सहयोग मिलता रहा तो नगर पंचायत जल्द स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाएगा। मुकेश कुमार ने बताया कि थाना रोड से ब्लॉक मोड़ तक सभी मकान एक कलर में होंगे, यह नगर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना काल में स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता के बीच नहीं आए, वह आज चुनाव है, इसे जनता को जरूर उनसे सवाल पूछना चाहिए। कहा कि कोरोना काल में जो नगर पंचायत कार्य किया एक अतुलनीय कार्य है। एक सवाल के जवाब में मुख्य पार्षद ने बताया कि हमें पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के अलावा किसी का सहयोग नहीं मिलता है। सरकारी वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ कर नगर पंचायत का आलोचना कर घोटाला का नाम देते हैं, ऐसे लोग सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें जनता का भरपूर सहयोग मिलता है और उनका आशीर्वाद ऐसे ही रहा तो नगर पंचायत आने वाले दिन में स्मार्ट सिटी बनेगा। इसके पूर्व नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद संतोष कुमार यादव सहित वार्ड पार्षद नगर पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों के जनता के बीच रखा। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण मुरारी जी ने किया। नगर में विकास कार्य को डिजिटल माध्यम से दिखाया गया। बीते 4 साल में नगर पंचायत द्वारा किए गए कार्य को डिजिटल प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। इसमें इतिहास से जुड़े बाबू वीर कुंवर सिंह के गाथा और दर्पण युग में भगवान कृष्ण का शिव मंदिर में शिवलिंग का स्थापना सहित नगर के सदर बाजार में महावीर मंदिर और शहीद बाबा की मजार एवं रामलीला में आपसी भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल का नजारा दिखाया गया। इस कार्यक्रम को लेकर नगरवासियों में काफी उत्साह देखा गया। मौके पर उप मुख्य पार्षद संतोष कुमार यादव, वार्ड पार्षद सुमित्रा देवी, शशि कमल, उमा देवी, कमरुन निशा, सरोजनी देवी, अर्जुन प्रसाद, धनुप्रा देवी, रविंद्र चौधरी, गंगाजलि देवी, सुरेंद्र साह, ज्योति देवी सहित नगर पंचायत के तमाम कर्मी मौजूद रहे। काफी संख्या में लोगों का हुजूम जुटा रहा। मुख्य पार्षद ने कहा कि मेरा विकास ही पहली प्राथमिकता है। छठ प्रति छठ करती है, वही तालाब में स्नान ध्यान करके उनके द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई, जो आज सावन मास के महीने में श्रद्धालु जाकर पूजा अर्चना करते हैं। अब चलते हैं ऐतिहासिक धरोहर की तरफ। 1857 के वीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह, जिनके नाम से ही अंग्रेजी हुकूमत थर थर का 80 वर्ष की आयु में जो बाबू वीर कुंवर सिंह राजधानी में कर चले गए,
वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक हाथ गंगा मैया को अर्पण करने के बाद एक बाजू से अंग्रेजों से लोहा लेते रहे और जगदीशपुर नगर को अंग्रेजों से मुक्त कराए। जगदीशपुर में बंद है माँ काली की भव्य मंदिर अपने आप में एक अनूठा शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध। काली माँ का मंदिर एक अद्भुत नजारा पेश करती है। जगदीशपुर सदर बाजार में बना महावीर मंदिर पटना के महावीर मंदिर का रूप में बना हुआ है। महावीर मंदिर भी सर्व मनोकामना मंदिर के नाम से